नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर जिले की पंचायत आम चुनाव 2020 के द्वितीय चरण में सूरतगढ़ और घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मतदान निर्धारित समय पर शुरू हो गया है। सरपंच व पंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। दोपहर 10 बजे के बाद मतदान में तेजी आई। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे तक सूरतगढ़ पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 22.13% और घड़साना की 2 पंचायतों में 23.11% मतदान हुआ। 10 बजे के बाद मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे तो मतदान में तेजी आई। दोपहर 12 बजे तक सूरतगढ़ क्षेत्र में 42.63% मतदान हुआ। घड़साना की ग्राम पंचायत 3 केडी में 40.2% और ग्राम पंचायत 10 केडी में 48.95% मतदान हुआ। आईपीएल क्रिकेट सटोरियों के प्रति श्री गंगानगर जिला पुलिस कप्तान राजेंद्र दुष्यंत की सख्ती का असर दिखने लगा है। एसपी के आदेश पर शुक्रवार रात हरकत में आई डीएसटी ने जवाहर नगर और कोतवाली क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सट्टा बुक्की के लाखों रुपयों का हिसाब किताब पकड़ा। मौके से नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला स्पेशल टीम के प्रभारी सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि मुखबिर की इत्तिला पर कोतवाली थाने के एसआई देवेंद्र सोनी ने बीती रात नशा मुक्ति केंद्र के पास से अरुण कुक्कड़ को पकड़ा। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुनिया ने बताया कि शुक्रवार रात को ही दूसरी कार्यवाही जवाहर नगर थाना प्रभारी राजेश सिहा के नेतृत्व में हुई। एसआई ज्योति नायक ने शिव कॉलोनी की गली नंबर 2 में आईपीएल पर सट्टेबाजी कर रहे मोहित गुप्ता, सुनील कुमार और सोनू को गिरफ्तार किया। उत्तर पश्चिम रेल प्रशासन शनिवार को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से परीक्षा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन से यात्रा के लिए परीक्षार्थियों के अलावा अन्य भी बुकिंग करवा रहे हैं, फिर भी स्पेशल ट्रेन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार आज दोपहर तक जनरल कोच में तो मात्र 10 ही यात्रियों ने सीट बुक करवाई थी, जबकि स्लीपर कोच में 65 यात्रियों ने रिजर्वेशन करवाया है। स्लीपर कोच में 210 व जनरल कोच में 450 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। वीसी में कोविड-19 के बढ़ते रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के दौरान मौतों को रोकने सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। वीसी में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS कामरा, CMHO डॉक्टर गिधारीलाल मेहड़ा, कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर बराड़, RCHO डॉक्टर राजेश अरोड़ा, डॉक्टर अनामिका, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसीनगर उपस्थित थे। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस महीने में नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। अस्थायी सूची के प्रकाशन के साथ ही चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इन पर सोमवार 5 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशन सचिव विनय जिंदल ने बताया कि शुक्रवार को 213 सदस्यों की अस्थायी सूची जारी की गई। इसके अलावा 1136 मतदाताओं की सूची जारी की गई है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफिस में सूची देखी जा सकती है। इस पर सोमवार तक आपत्तियां मांगी गई हैं। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में को एडिट फोटो को वायरल करने की धमकी देकर युवती से रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी कविता पुनिया ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट देकर बताया कि मुश्ताक, माजिद खान और रूबीना ने उसकी फोटो को एडिट किया। इसके बाद आरोपियों ने उक्त फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपए मांगे। पुलिस ने IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने फाइनेंस पर लिए ट्रैक्टर को धोखे से दूसरे को बेचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के हनुमानगढ़ शाखा के विधिक अधिकारी विनोद कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि सतपाल गंगूराम और सुख महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 डब्लीवा सरदार नूरपुरा ने कंपनी से फाइनेंस पर ट्रैक्टर खरीदा था। बाद में आरोपियों ने कंपनी से छल करते हुए आपसी षड्यंत्र रचते हुए ट्रैक्टर को आगे बेच दिया। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र में युवती को बहला फुसला कर भगाने के आरोप में पुलिस ने भाई बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के नाना ने रिपोर्ट देकर बताया कि प्रकाश और उसकी बहन सुनीता पिछले दिनों उसकी दोहती को घर से बहला फुसला कर भगा कर ले गए।
तलाश करने के बावजूद उसकी दोहती का पता नहीं चला। श्रीगंगानगर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने देश में बेटियों के साथ बढ़ रहे बलात्कार के मामलों और हाथरस की घटना की जांच करने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। यहां आज शनिवार को राजकीय अवकाश होने पर ज्ञापन लेने कोई अधिकारी नहीं होने पर SFI ने ज्ञापन दीवार पर चस्पा कर दिया। इससे पूर्व FSI कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। 5 से अधिक कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करने देने की बात पर कार्यकर्ताओं व पुलिस कर्मियों के बीच तकरार हो गई। कलेक्ट्रेट के चैंबर के आगे भी कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हाथरस में एक दलित युवती से दरिंदगी के विरोध में तथा दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए साधुशहर कस्बे में वाल्मीकि समाज ने शनिवार को यहां बाजार बंद का आह्वान किया। इस पर दुकानदारों ने स्वेच्छा से बाजार बंद रखे। सुबह वाल्मीकि समाज के लोग अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए निकले और वापस अंबेडकर चौक पर पहुंचे। यूपी में हुए हाथरस कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कस्बे के सामाजिक लोगों ने शनिवार को श्रीकरणपुर के गांधी पार्क में सांकेतिक धरना लगाया। धरने में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनीता जोहिया, सत्वेंद्र रस्सेवट, जुगल किशोर सेन सहित जोराराम मेघवाल, श्याम वर्मा, लक्ष्मी नारायण जोहिया, भंवरलाल पवार, जगदीश इंदलिया, दर्शन कुमार, सुनील सोनी, दूलीचंद मित्तल सहित अन्य मौजूद थे। TC म्यूजिक जयपुर के सचिव ताराचंद कछावा की ओर से आयोजित संगीत प्रतियोगिता सीजन 4 में विरासत विद्यापीठ हनुमानगढ़ के छात्रों ने लगातार 3री बार गायन वादन प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। वाद्य यंत्र कोंगो कनिष्ठ वर्ग में जय निमीवाल प्रथम, यश कौशिक द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह गायन प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में सृजन गुप्ता ने प्रथम, आनवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्री गंगानगर हलवाई यूनियन की एक बैठक यूनियन के संरक्षक मंडल श्री भगवान यादव, अशोक धिंगड़ा, राजकुमार जो की अध्यक्षता में हुई। इसमें रामू सोनी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नव मनोनीत अध्यक्ष रामू सोनी संरक्षक मंडल की सहमति से अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। सरकारी स्कूलों की बोर्ड परीक्षा में कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है जिनका 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम कम रहा है। इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश चरम पर है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उदट के निर्देशानुसार फोर्स के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालते हुए मृतका को इंसाफ दिलाने, पीड़ित परिवार को मुआवजे व सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।